फिटकरी झा जी के द्वारा एक पूरे समुदाय को बिना अकारण बिना वजह पार्लियामेंट में राज्यसभा में जिस कदर अपमानित किया गया, वो आज तक जो हर्ट हुआ आहत हुए लोग उसको भूले नहीं है। ये सब का हिसाब किताब होगा बेलागंज। एक इमामगंज को छोड़ दीजिए तो तीन सीटें किसकी है? अगर हम 50% भी स्कोर करते हैं, जो हमारा दावा है कि हम ज्यादा करेंगे, अगर 50% से अबव हम स्कोर करते हैं तो 25 तय हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। कि बिहार विधानसभा के चार सीटों पर उपचुनाव हो रहे, जिसको लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंकती है। अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू भी बेलागंज में अपने तमाम नेता को भेज रहे हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, और इसी क्रम में पूर्व सांसद आनंद मोहन भी बीते दिन प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे। आनंद मोहन ने राजपूत समाज के एक बड़े नेता है, जब उनसे बेलागंज में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि बीमारू और बेपटरी बिहार को एक ऐसे व्यक्ति यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में तारीफ करते हुए आनंद मोहन ने कहा कि एक वैसे व्यक्ति जिन्होंने बिहार को पटरी पे लाया, बिहार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, आगे बढ़ाने का काम किया है, उसी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने आए हैं, उसी के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। और जनता को तय करना है कि एक साफ सुथरा और शिक्षित शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला बिहार चाहिए या फिर से वही जंगल राज वाला बिहार चाहिए, ये तो जनता को तय करना है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसको लेकर के खूब तारीफ किए हैं आनंद मोहन, और क्या कुछ कह रहे हैं तारीफ करते हुए आइए आपको सुनाते हैं। उद्देश्य साफ है, बमुश्किल बेपटरी हुए बीमारू बिहार को एक व्यक्ति ने अपने अथक परिश्रम से पटरी पर लाया है। कानून व्यवस्था, शिक्षा, उद्योग, हर क्षेत्र में सुधार हुआ है। ये बदस्तूर जारी रहेगा या फिर बिहार अपने खौफनाक अंधेरे युग में लौटेगा, ये चार विधानसभा का उपचुनाव ये साबित करने जा रहा है। बीच में जो लोग कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं, मेरा इशारा आप समझ रहे हैं, इस झांसे में किसी को नहीं पड़ना चाहिए। और बिहार जिस प्रगति के पथ पर अग्रसित हुआ है, इस क्रम को सिलसिलेवार जारी रखना चाहिए। हम इसी प्रयास में आए हैं। अभी खाली कौन किया है? अभी सीटें एक इमामगंज को छोड़ दीजिए तो तीन सीटें किसकी है? अगर हम 50% भी स्कोर करते हैं, जो हमारा दावा है कि हम ज्यादा करेंगे, अगर 50% से अबव हम स्कोर करते हैं तो 25 तय हो जाएगा। मैं समझता बेलागंज में जिनके बेटे वो कहते हैं कि हम अगर तीसरा नेत्र खोल दिए तो विरोधी सब पस्त हो जाएगा। ये बहुत बातें करते हैं, बहुत बात होती है। पिछले दिनों जो समाज विशेष की एक महिला पर अभद्र टिप्पणी की गई, लोगों को वो याद है। इसके पूर्व जो एक फिटकरी झाजी के द्वारा एक पूरे समुदाय को बिना अकारण बिना वजह पार्लियामेंट में राज्यसभा में जिस कदर अपमानित किया गया, वो आज तक जो हर्ट हुआ आहत हुए लोग उसको भूले नहीं है। ये सब का हिसाब किताब होगा बेलागंज। तो आपने सुना कि साफ तौर पे आनंद मोहन ये कहते हुए आ रहे हैं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बीमारू राज को पटरी पर लाया है, बेपटरी पर ये राज चल रहा था, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है, और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, और यहाँ पर एक तरफा माहौल जो है वो हम लोग के जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में दिख रहा है। क्या कुछ करते तमाम चीज़ को लेकर के आनंद मोहन, आप भी सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।